दोस्तों, बिना कोई एग्ज़ाम दिए, बिना कोई इंटरव्यू दिए और कम से कम एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो अभी आपके लिए इंडिया पोस्ट DDS का वैकेंसी निकल कर आई है। इसमें सिर्फ आपको अप्लाई करना है और अगर आप सिलेक्शन आपका होता है तो डायरेक्ट कंपनी वालों से आपके पास कॉल आ जाएगा। आपको सिर्फ 10वीं पास का क्वालिफिकेशन मंगा जाएगा, उसके बाद ये फॉर्म को आप फिलअप करते हैं तो अगर आप सिलेक्शन आपका होता है तो आप ये नौकरी को ज्वाइन कर लेंगे। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को यही बताने वाला हूँ कि इंडिया पोस्ट DDS का जो ऑनलाइन फॉर्म निकला है उससे आप आसानी से अपने मोबाइल में कैसे भर सकते हो, पूरा जानकारी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। गूगल पर आना होगा, इसके बाद आपको यहाँ पे आकर इंडिया पोस्ट GDS लिखकर सर्च करना होगा। सबसे ऊपर आपको इंडिया पोस्ट GDS ऑनलाइन इस वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये इंडिया पोस्ट का ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो अकाउंट बनाने के लिए यहाँ पे देख पा रहे हैं रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कीजिए और देन यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। आप लोग सामने इस प्रकार का फॉर्म खोल के आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको कुछ डिटेल भरने हैं। तो सबसे ऊपर आपको अपना मोबाइल नंबर भरना है, मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको वैलिडेट मोबाइल नंबर के ऊपर क्लिक करना है, तो आपका मोबाइल नंबर सही रहेगा तो वैलिडेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ईमेल आईडी डालना है, देन वैलिडेट ईमेल आईडी के ऊपर क्लिक करना है, और अगर आपका ईमेल आईडी सही रहेगा तो आपका ईमेल आईडी यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो आपके मार्कशीट में फुल नाम है वो फुल नाम यहाँ पे आप भर दीजिएगा, और साथ ही साथ यहाँ पे आपका जो फादर नाम है आपके एडमिट कार्ड में वो यहाँ पे डालिएगा, आपका डेट ऑफ बर्थडे क्या है वो यहाँ पे आपको डालना है, और नीचे यहाँ पे आपका जो भी जेंडर है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप किस कम्युनिटी के अंदर आते हैं वो अपना कम्युनिटी यहाँ पर चूज कर लीजिए, देन आपने 10th किस स्टेट से पास किया है वो स्टेट यहाँ पर आपको नज़र आएगा, तो जो भी आपका स्टेट है उसे आप चूज कर लीजिए। देन यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि आप 10th का जो एग्ज़ाम है वो किस ईस्वी में आप पास किए हैं, तो उसका डिटेल यहाँ पे आपको मांगा जा रहा है, तो जिस भी ईयर में आप पास किए हो वो सेलेक्ट कर देना है, और ये जो कैप्चा भरा हुआ है इस कैप्चा को यहाँ पे फिलअप कर देना है और फाइनली सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, आप लोगों के सामने इस प्रकार का एक और फॉर्म खोल कर आ जाएगा, और यहाँ पर सिंपल आपको आधार नंबर भरना है, और यहाँ पर देख पा रहे हैं आर यू पर्सन विथ डिसबिलिटी, तो अगर है तो एस क्लिक कर दीजिएगा, नहीं है तो नो के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। डिसेबिलिटी मतलब विकलांगता होता है, अगर है तो एस, नहीं है तो नो के ऊपर क्लिक कर दीजिए। देन यहाँ पे आपको कोई भी जानकारी नहीं भरना है, अगर आप एस करते हैं तो आपको कौन सा आपका लेवल है, कितने विकलांग है वो आपको जानकारी उसका देना होगा। नीचे यहाँ पे वेदर एम्प्लॉयड में अगर है तो एस, नहीं है तो नो के ऊपर यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे आपको अपलोड फोटो और अपलोड सिग्नेचर का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं फ़ोटो का साइज़ जो है इतना 50 KB का अंदर होना चाहिए और सिग्नेचर का साइज़ 20 KB का अंदर होना चाहिए, तभी ये अपलोड लेगा। तो सिंपल यहाँ पे आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पे आपका फ़ोटो है उसे आपको चूज यहाँ पे कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे अपना फ़ोटो है इसे मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ और ओपन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो इस प्रकार के आप लोग के सामने आ जाएगा। इसी प्रकार से आपको सिग्नेचर जहाँ पर है उस सिग्नेचर को यहाँ पर चूज कीजिए और यहाँ पे आपको ओपन के ऊपर क्लिक कर देना है, तो सिग्नेचर भी इस प्रकार का आ जाएगा। एंड फाइनली यहाँ पे आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे आपको तो आप लोग सामने इस तरह का प्रव्यू दिखाया जाएगा, जो डिटेल आपने अभी भरे हैं वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, तो सही सही आप भर ली देख लीजिए। अगर गड़बड़ है तो आपको शुद्धिकरण में आगे दिक्कत हो सकता है, अगर सारा कुछ सही है तो फाइनली यहाँ पे आई एग्री के ऊपर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना। यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल रहा है, तो इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप कॉपी करके रख लीजिए या तो इसे स्क्रीनशॉट करके आप अपने सिस्टम में रख लीजिए, क्योंकि ये आगे आपका काम आएगा। सिंपल यहाँ पे कंटिन्यू टू अप्लाई के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अगला पेज इस प्रकार के आप लोग सामने खोल के आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको जो भी स्टेट है वो स्टेट यहाँ पर आपको चूज कर लेना है। उसके बाद फाइनल यहाँ पर आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है, देन यहाँ पे आपको ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP गया होगा, उस OTP को यहाँ पे आपको भर देना है और ये कैप्चा को आपको भरना है, देन नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। देन आप लोग सामने इस प्रकार का फॉर्म खोल के आ जाएगा, तो यहाँ पे जो भी आपका एड्रेस है वो पूरा एड्रेस यहाँ पर आप डाल दीजिएगा, आपका विलेज वगैरह आपका पिन कोड यहाँ पर डाल दीजिएगा, और परमानेंट एड्रेस में जो आपका आधार कार्ड में एड्रेस है वो यहाँ पर आप डाल दीजिएगा। अगर सेम जगह रहते हैं तो आप सेम एड्रेस यहाँ पर डाल दीजिएगा, जो आपके आधार कार्ड में है वो एड्रेस यहाँ पे डाल दीजिएगा। नीचे आओगे तो यहाँ पे सिंपल आपको किस बोर्ड से आप एग्ज़ाम दिए थे वो यहाँ पे आपको मिलेगा, तो वो यहाँ पे आप चूज कर लीजिए। उसके बाद फाइनली यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं रिजल्ट टाइप में आपका मार्क था, तो मार्क के ऊपर क्लिक कर दीजिए
और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं किस किस सब्जेक्ट में कितना मार्क आया था, वो यहाँ पे आपको इंटर यहाँ पे आपको करना है। इस प्रकार से यहाँ पे देख पा रहे हैं सेलेक्ट सब्जेक्ट में अगर आप और कोई अदर सब्जेक्ट जैसे कि संस्कृत वगैरह रखे थे तो वो यहाँ पे आपको मिलेगा और उसका सब्जेक्ट यहाँ पे डाल दीजिएगा। यानी यहाँ पे एक और ऑप्शन अदर्स मिल रहा है, अगर आपने एडिशनल और कोई रखा होगा तो वो यहाँ पे आप चूज करके, जैसे खोटा रखा होगा या कुछ भी रखे होंगे वो यहाँ पे मिल रहा है, तो सिंपल उसको चूज करके जितना नंबर आया था उसका यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। देन सिंपल आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों अगला पेज इस प्रकार का ओपन होगा और यहाँ पे देख पा रहे हैं चूज योर प्रेफरेंस ईयर और यहाँ पे डिवीजन अप्लाइंग फॉर, यानी कि किस डिवीज़न में आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो सिंपल यहाँ पे आपका जो भी नज़दीकी सिटी दिखाई पड़ेगा सिंपल आपको उसके ऊपर यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो नीचे इस प्रकार के आप लोग सामने डिटेल खोल के आ जाएगा। तो डिवीज़न का नाम, ऑफिस और पोस्ट, और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं पेमेंट आपको कितना मिलेगा उसका भी जानकारी यहाँ पर दिखाया जा रहा है। यहाँ पर आप लोगों को कुछ डिटेल खोल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं एरिया का नाम यानी कि ऑफिस का नाम आपको दिखाई पड़ेगा और कितना पेमेंट वगैरह आपको मिलेगा उसका भी जानकारी यहाँ पे आपको लोग सामने दिखेगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं 12,000, 12,000, 10,000। तो यहाँ पे आपका ऑफिस का नाम दिखाई पड़ेगा, साथ ही साथ यहाँ पे पोस्ट परफॉर्मेंस में आपको 12,000 वाला को फर्स्ट में, 10,000 यानी कि यहाँ पे सिंपल जिस भी एरिया में आप अप्लाई करना चाहते हैं वो काउंटिंग कर दीजिए, 1, 2, 3, 4 डाल दीजिए, सभी में आप डाल दीजिए। एंड देन यहाँ पर टिक करना है डिक्लेरेशन का, सेव एंड प्रोसेस के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। तो डेटा सबमिटेड सक्सेसफुली, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं आपका जो डेटा है वो सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है। अब सिर्फ आपका लास्ट स्टेप बचा हुआ है, आपको पेमेंट करना होगा। तो पेमेंट करने के लिए ओके के ऊपर क्लिक कीजिए और इस प्रकार से आप लोग सामने पॉपअप खोल के आ जाएगा। तो सिंपल यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको पेमेंट करने का इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा। तो मैक पेमेंट के ऊपर यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, उसके बाद आप लोगों को 100 रुपये का पेमेंट करना होगा इस प्रकार से। तो नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड और UPI आप लोगों के सामने ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पे जो QR कोड है इसे आप स्कैन करके पे कर सकते हैं। अगर आपको UPI ID है तो UPI ID डालिए, मैक पेमेंट के ऊपर आप क्लिक कीजिए तो आपके UPI में रिक्वेस्ट चल जाएगा और वहाँ से पिन डाल दोगे तो आपका सक्सेसफुल पेमेंट हो जाएगा, उसके बाद आपको रिसीविंग मिल जाएगा। यहाँ पे लॉगिन करके आप इसका स्टेटस वगैरह सब यहीं से पता कर सकते हो। तो आपका यहाँ पे पेमेंट कर दोगे तो उसके बाद आपका रिसीविंग मिल जाएगा, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपका सारा काम हो चुका है। अगर आप सिलेक्शन हो गए तो कंपनी वाले के तरफ से आपको कॉल आ जाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर देना। साथ ही साथ आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।